तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है रबड़ी के लिए। आप किसी भी कंपनी का, गाय का या भैंस का जो है वो दूध ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है, तभी हमारी जो रबड़ी है वो बहुत बढ़िया बनती है। तो इसे अब हम पहले हाई फ्लेम पे जो है वो उबाल लेंगे और कंटिन्यू इस तरीके से जो है इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये स्टिक ना हो नीचे। तो यहाँ पर जो फ्लेम है वो मैंने हाई करके रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो दूध को जो है वो उबाल आ गया है। इस स्टेज पे अब हम जो फ्लेम है इसे लो कर देंगे। और अब इसे हम लगभग 30 से 35 मिनट के लिए जो है लो फ्लेम पे ही जो है इसे रिड्यूस होने देंगे, ताकि ये ऑलमोस्ट हाफ लीटर से भी थोड़ा कम हो जाए, तब तक कि इसे हम जो है वो उबाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध जो है हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। और बीच बीच में आप ये जो साइड में जो मलाई जमा हो जाती है ना, इसे स्क्रैच करते रहिएगा। इसी से जो है वो अच्छा दानेदार जो है हमारी रबड़ी बनती है। इसे कंटिन्यू इस तरीके से हम जो है वो स्क्रैच करते रहेंगे। बिल्कुल फ्लेम जो है आपको यहाँ पर लो ही रखनी है, कंटिन्यू हिलाते हुए। और अब हम इसमें जो है 1/4 कप हम इसमें जो है वो चीनी डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगती है रबड़ी, इस वजह से आपके हिसाब के, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। और इसे अब हम जो है और थोड़ा सा जो है इसे रिड्यूस करेंगे हम, मतलब कि जो मिल्क है हमारा वो ऑलमोस्ट 250 लीटर हो जाना चाहिए। और इसे अब जल्दी से गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो है यहाँ पर काजू का पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया ऐसी दानेदार सी रबड़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से इसे जो है इसमें मिक्स कर लेंगे हम, कोई भी लम्स ना रहे। ऑलमोस्ट जब 250 लीटर्स तक के जो है हमारा मिल्क रह जाएगा तब हम ऐसा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि रबड़ी हमारी एकदम बढ़िया सी जमने स्टार्ट हो गई है। ऑलमोस्ट हमारी रबड़ी जो है बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि हमने काजू का पाउडर डाला था। तो एंड में थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि बहुत जल्दी नीचे लग सकता है, तो कंटिन्यू इसे हिलाते ही रहिए। तो यहाँ पर हमारी बढ़िया सी दानेदार सी जो है रबड़ी तैयार हो गई है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं हम, और इसे ठंडा करने के बाद सर्व कर लेंगे हम। तो जिस किसी पॉट में आपको जो है इसे सर्व करना है आप निकाल लीजिए, और इसे रूम टेम्परेचर पे या तो ठंडा ठंडा आप सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पिस्ताशू से इसे गार्निश करूँगी। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको अगली रेसिपी वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय।